आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फिशर। अगर लंबे समय तक ठीक ना हो तो क्या भगंदर में बदल जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले हम फिशर की तीन कंडीशंस पर बात करेंगे, एक्यूट फिशर, क्रॉनिक फिशर और फिशर फिस्टुला। एक्यूट फिशर का मीनिंग है कि मद्वार पर जख्म का बन जाना, जैसे चाकू से कट किया गया हो उस तरह का यह जख्म दिखाई पड़ता है। यह बहुत दर्दनाक यानी कि पीड़ादायी स्थिति होती है। फिर हम बात करते हैं क्रोनिक फिशर की। फिशर अगर 4 से 6 हफ्ते पुराना हो जाए और ठीक ना हो तो तब वही एक्यूट फिशर क्रोनिक फिशर में बदलना शुरू हो जाता है। एक्यूट फिशर से क्रोनिक फिशर में बदलने का टाइम हर मरीज में अलग-अलग होता है और एक्यूट फिशर के क्रॉनिक फिशर में बदलने की एक पूरी प्रक्रिया है। अब जरा ठीक से फिशर की बीमारी को इस वीडियो क्लिप की सहायता से हम समझते हैं। ये देखिए, इस तरह से जब कड़ा मल मलद्वार से निष्कासित होता है तो मलद्वार में फंसता है और फोर्सफुली मल त्याग होने से मलद्वार पर इस प्रकार का चीरेनुमा जख्म बन जाता है। अब ये जख्म ही फिशर टियर या आम भाषा में बोले फिशर की बीमारी कहलाता है, जो बहुत ही तकलीफ देने वाली बीमारी है। अब ये ताजा जख्म बिल्कुल चटक लाल रंग का दिखाई पड़ता है। अब इस फिशर कट के बारे में दो बातें जानना बहुत जरूरी है कि या तो सही इलाज से ये फिशर कट ठीक हो जाए। कोई व्यक्ति है, उसको मल पास आउट हुआ कड़ा और फिशर टियर उसको बन गया, उसको सही इलाज मिला और वो ठीक हो गया, कंडीशन ये है। और अगर मरीज को सही इलाज ना मिले, वह दवाइयों की दुकान पर भटकता ही रहे या YouTube देखकर नॉन प्रैक्टिकल विधियों का उपयोग करना शुरू कर दे या किसी रिश्तेदार की सलाह से दवाइयां खानी शुरू कर दे। कहने का मतलब है कि मरीज का किसी तरह ये जख्म अगर कई दिनों तक ठीक ना हो तो यही एक्यूट फिशर धीरे धीरे क्रॉनिक फिशर में बदल जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में इस किस्म का मैकेनिज्म मौजूद है जो सभी तरह के जख्मों को खुद ब खुद ठीक करने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है। तो 4 से 6 हफ्ते तक तो शरीर भी कोशिश में लगा रहता है कि फिशर का ये कट ठीक हो जाए, लेकिन जब 4 से 6 हफ्ते गुजर जाते हैं और फिशर का ये जख्म ठीक नहीं हो रहा होता है, तब फिर खुद शरीर ही इस जख्म को नॉन हीलिंग स्टेज में डालना शुरू कर देता है। हमारा शरीर समझने लगता है कि अब ये जख्म इतने लंबे समय से तो ठीक नहीं हुआ, तो ये नॉन हीलिंग वुंड है। अब इस जख्म के ऊपर हमारा शरीर ग्रेनुलेशन टिश्यूज की एक कवरिंग सी बनानी शुरू कर देता है। ग्रेनुलेशन टिश्यूज की यह कवरिंग सबसे पहले फिशर टियर जो है उसके किनारों से बननी शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे फिशर टियर पर बनने का प्रयास करती है। अब इस स्टेज में फिशर की बीमारी फिर से दो में से कोई एक रूप धारण कर सकती है, या तो ग्रेनुलेशन टिश्यूज की लेयर पूरे फिशर कट पर बन जाती है और यह फिशर की बीमारी की क्रॉनिक स्टेज कहलाती है, यानी क्रॉनिक फिशर कहलाता है। काफी समय तक या कई कई वर्षों तक भी शरीर में ऐसे ही पड़ा रह सकता है। रोगी को थोड़ी बहुत खुजली, खारिश, कभी कभी चुभन, या रोगी कहेगा कि 3-3 या 4-4 महीने के बाद जब भी कड़ा मल त्याग होता है तभी दर्द होता है, वरना तो ठीक रहता है। तो एक कंडीशन तो ये है, पर यदि फिशर टियर में ही जख्म गहरा बन जाए, वही इंफेक्शन हो जाए, क्योंकि रोजाना मल त्याग करते समय स्टूल पार्टिकल्स रोजाना जख्म में टच होते हैं, रोजाना ही कंटामिनेटेड वाटर फिशर के जख्म में लगता है, तो उस फिशर
फिशर के जख्म में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, इन्फेक्शन बन सकती है, बन जाती है, पस पड़ जाती है, मवाद बन जाती है। शुरू शुरू में तो मवाद या कहें पस डिस्चार्ज 2 से 3 बूंद ही होता है, जिसका पता कई बार रोगी को भी नहीं होता, क्योंकि पस या मवाद की मात्रा इतनी कम होती है कि रोगी को पता ही नहीं चलता। रोगी को तो तब पता चलता है जब पस ज्यादा मात्रा में बन जाए, उसको मलद्वार पर गीलापन महसूस हो। तो फ्रेंड्स, सही समय पर सही इलाज मिलने पर रोगी की बीमारी बहुत थोड़ी दवाइयों के इस्तेमाल से ही ठीक हो जाती है, पर यदि रोगी को मलद्वार से पस अधिक मात्रा में आना शुरू हो जाए, तब उसे शल्य चिकित्सा कराने में देरी नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सर्वेज पिछले 13 वर्षों से 2011 से मलद्वार की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों और क्षार सूत्र चिकित्सा द्वारा कर रहा हूं। हमारा नंबर है 9781261717। हमसे संपर्क करने के लिए हमें व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। अंत में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।